रहेगा जुल्म सच कहना, रहेगा जुल्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है मसाले लेके कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। हमको क्या चीज से डर लगेगा, हमको सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, भगवान से। नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं ना है, स्मृति ईरानी जब 4 रुपया सिलेंडर था तो सिलेंडर उठा के कहती थी हाय हाय मोदी इतना महंगाई, हाय हाय रे मोदी। एक गाना हम सुने हैं, सैया हमार कमाई जाते हैं महंगाई डाइन खाए जाते, वही डाइन आज भौजाई बन गई है। नमस्कार, मैं हूँ सुमंत, अभी आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अभी हम पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। कहा जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज महंगाई और बिहार की खराब स्थिति जैसे शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के आज यहां पे प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर का प्रतिरोध मार्च है। ये मार्च सगुना मोड़ से लेकर के और डाकबंगला चौराहा तक ये मार्च निकाला जाएगा। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो लोग मार्च निकालने का उनका मेन मकसद क्या है और वो सरकार से आखिर क्या मांग कर रहे हैं। प्रतिरोध मार्च में आज आप लोग शामिल हुए हैं, तो सरकार से क्या चीज मांग कर रहे हैं? देखिए महंगाई बहुत है, गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, बच्चा उच्चा को अगर पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल का जो चार्ज है बहुत महंगा है, हर चीज में महंगाई है। महंगाई के खिलाफ हम लोग रोड में उतरे हुए हैं कि सरकार कम से कम गरीब लोग को राहत दे। इस मार्च का देख के कम से कम समझे कि हाँ हम लोग धूपा में या कोई चीज में गरीब के ही रक्षा के लिए कि किसी सस्ता सामान मिल जाए, कोई अपना जिए बढ़िया से पालन पोषण कर सके, इसीलिए हम लोग ये मोर्चा निकाले हुए हैं। आप बताइए, आप प्रतिरोध सभा में जो है शामिल हुए हैं, तो आप लोग सरकार से क्या चीज मांग करते हैं कि महंगाई को कम करे या बेरोजगारी को खत्म करे? बेरोजगारी को भी खत्म करे और महंगाई को भी कम करे, दोनों का मांग कर रहे हैं। दोनों का मांग कर रहे हैं हम लोग। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या एक नौजवान बेरोजगार? एक नौजवान बेरोजगार है हम लोग, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता कुछ नहीं है। आप लोग अपनी हक की लड़ाई को, हक की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सर, कुछ नहीं कार्यकर्ता। आप लोग पढ़ाई करते हैं? जी हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम दिलखुश यादव हुआ। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से, जिला सचिव युवा राजद। तो आप लोग इस प्रतिरोध सभा में शामिल होने के लिए आए हैं जी? तो वहाँ पे भी तो मार्च निकल रहा है ना? वहाँ पे तो लोग है, हम लोग मुख्यालय में निकल रहे हैं। जो लोग जहाँ पे वहाँ से चढ़ बढ़ के रोड पे आए, ई सरकार तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, या शिक्षा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। जब हम लोग आय की बात करते हैं तो गाय की बात करती है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो धर्म की बात करता है, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो ये सरकार मंदिर मस्जिद की बात करती है। जब हिटलर शाही नहीं चली है तो मोदी शाही नहीं चलेगी। एक चीज बताइए, और नीतीश कुमार जब भी पटना की सड़कों पर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई रैली निकलती है तो नीतीश कुमार के जो पुलिस है उनके द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता था, आप लोग को क्या लग रहा है कि आज भी ऐसा होगा तो आप लोग क्या उसी को झेलिएगा? ऐसा यदि होगा तो लाठी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश जी भी जान चुके हैं कि हमारी आगे के बचाने वाली पार्टी है तो राजद के साथ ही रह के पास रह के ही बच सकते हैं, या तो बीजेपी से बचने वाले नहीं है। अब खेला बहुत जल्दी होगा। आप देख रहे हैं जो प्रतिरोध मार्च निकला हुआ है, सभी कोई ना कोई वेशभूषा बना करके और इस प्रतिरोध सभा में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हमारे साथ एक व्यक्ति जो है, आप देख लीजिए ये पीछे अपने स्कूटी के पीछे एक सिलेंडर रखे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अंदर में आग है, धधक रही है, बाहर निकालना है। 75% लोग देश में जो आग है महंगाई का, उससे लोग जल गए हैं। बचा हुआ 25%, मरने से पहले जैसे जो छटपटाता है वो छटपटाता है हर इंसान के पास। स्कूल का फीस इतना बढ़ गया कि लोग नाम कटवा रहे हैं, नाम कट रहे हैं, नाम कटवा रहे हैं। RCI से पढ़ने वाले बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं कि ये पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था, आज गार्जियन का पैसे नहीं है, क्या करेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेंगे अफसर? आलम ये है, 200 रुपए तेल 75 रुपए था, वो 70 सालों में 75 रुपए, 7 सालों में 200 रुपए बर्बाद हो रहा है जिनका। इतनी धूप में आप जल रहे हैं और इतना प्रतिरोध सभा में आप जब शामिल होता, आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? बात तो उनका भी नहीं सुना गया था, भागीरथ को जो उन्होंने तय किया था कि मैं गंगा को भरती कर लाऊंगा, उस टाइम भी लोग कहने वाले थे कि गंगा तुमसे नहीं आएगा, पर लगे हुए थे
गंगा है धरती पर ना। मेरा नाम अभिनय बिहारी, मेरा जिंदगी में पहले था ना अब है ना आगे भी कमी रहेगी बेचारी। सब भी मैं उठा प्रेम की बात बोलूंगा। चलिए, ये विनय बिहारी साहू जी थे, जैसा कि आपने इनको सुना, और ये जो अपनी व्यथा जो है और जो बिहार की स्थिति जो है ये आपको सुनाएं और आपको बताएं कि देखिए बिहार में स्थिति क्या है। गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सुनार बदलने के लिए उठो। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार यादव है। कहाँ से आप लोग? हम पटना से ही हैं। प्रॉपर पटना कहीं वहाँ से? नहीं, ऐसे रहने वाले हैं, वो सोनपुर के हुए, प्रॉपर पटना में है। आज प्रतिरोध मार्च निकल रहा है, इसका मेन मकसद क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब है, इसलिए महागठबंधन की तरफ से महंगाई पर, जैसे दूध पर GST लग गया, दही पर GST लगाया गया है, जो आम पब्लिक का जरूरी का चीज़ है उस पर GST लग के महंगा हो गया। आज आटा 35 रुपये किलो हो गया, 4 रुपये GST लगने से बढ़ गया। आपका क्या कहना है? सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम पब्लिक जनता के अदालत में हम लोग हैं, जनता के साथ तो हमेशा लाठी चलाने लगती है, चलाने लगते क्या देखिए। हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लोग युवा हैं, लड़ेंगे, अपना विरोध क्यों नहीं जारी करेंगे, रोड पर उतरेंगे, सरकार को बताएंगे। ये प्रतिरोध मार्च में आप लोग शामिल हुए हैं जी, बिल्कुल। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से मांग यही करेंगे कि महंगाई जिस तरीका से बढ़ा हुआ है, सरकार कभी उस पर ध्यान दिया? शिक्षा जिस तरह से बदतर हो गया है, आज रोजगार नहीं है, बाढ़ सुखाड़ जैसा हालात बिहार के बना हुआ है। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश सरकार है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष SB यादव जी का सरकार आएगा तो देखिएगा विकास का धारा बहेगा। सत्यपाल कुमार नाम। क्या चीज़ के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं अपना रोजगार के लिए, हम लोग का पेट में भोजन भी नहीं मिलता है, और नगर नियम में काम लगाया, 3 साल काम किए हैं, बोलता है कि सरकारी नौकरी के नाम पर वो काम करवाया, मेरा ID भी दे दिया, ID देला के बाद भी हटा दिया, बोलता है 50,000 रुपया देगा तो तुम्हारा होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। हम लोग ऐसे भूखे मरेंगे और क्या है। सर, आप इस सरकार की तानाशाही पर क्या कहना चाहते हैं? तानाशाही तो इतना ज्यादा है कि जिससे आज लोग आम आदमी इमाम कर रहा है, ये आज के डेट में ज्यादा नहीं, आप देख ही रहे 2014 के बाद आज 2022 है, लगभग सिर्फ 6 और 8 साल का केंद्र सरकार की ये राज, जिसमें 400 का गैस सिलेंडर आज 1100 पार है, जो कि आप समझ सकते हैं ये आम आदमी पे, और उसके बाद आम आदमी का जो इनकम जो आय है वो 0 लेवल का है। आज देश के अंदर 140 करोड़ लगभग देशवासी है, इसमें आप अगर आंकड़ा मिलाएंगे तो आय पर लोगों की आय 75% लोगों का इनकम मंथली इनकम 2,000 और 3,000 का है, और लोगों की खर्च 6,000 और 5,000 रुपया पड़ रहा है, क्योंकि आज लगभग चीजों पे, खाद्य पदार्थ हो, हर चीज, शिक्षा पे 18% का टैक्स है, आपको पता होगा, खाद्य पदार्थ पे आज जो मोदी जी कल तक कहते थे छोटा पॉकेट पर भी अब सब पे GST लग गया। हाँ, सारी चीजों पे लग गया है, आप देख ही रहे हैं, जो मूलभूत चीज है लोगों के लिए, जीने के लिए सबसे बड़ी मूलभूत चीज है खाद्य पदार्थ, आज उस पे GST लगाकर आम आदमी को मारने का जो ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रहा है, आप ये जो अन्यायपूर्ण फैसला जो आम आदमी के विरोध में लिए हैं, ये इन्हें वापस लेना होगा। नेता इनसे हम बातें करते हैं इस आज के प्रोटेस्ट के बारे में, इनका क्या कहना है? हाँ जी, नीतीश सरकार के शासन काल में आप प्रोटेस्ट करने का डर नहीं लगता आपको? हमको क्या चीज से डर लगेगा, हमको सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, भगवान से। नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं ना है, वो मेरे भगवान नहीं है। नीतीश कुमार के शासन काल में जो भी प्रोटेस्ट किया जाता है तब तक लाठीचार्ज या वाटर कैनन से हमला किया जाता था, उससे हम नहीं डरते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी 11,00,000 करोड़ रुपया माफ किया है, किस पे? पूंजीपतियों को। अगर गरीब 10,000 रुपया ले लेती है लोग,
तो ईडी सीबीआई प्रशासन उनके घर पहुंच जाती है। रोजगार की बात करते हैं, बोलते हैं भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे हम, है बेरोजगारी हटाएंगे। कहा गया 2 करोड़ नौकरी, बोलते हैं दाल पे चावल पे गेहूँ पे A to Z सामान पे खाने वाले चीज पे हम GST ना लगाएंगे। और GST क्यों लग गया? स्मृति ईरानी जब 400 रुपया सिलेंडर था तो सिलेंडर उठा के कहती थी हाय हाय मोदी इतना महंगाई, हाय हाय रे मोदी। अब क्या हुआ? चूड़ी मनमोहन सिंह को ही काल के भेजती थी, अब तो चूड़ियां पहन ली है उनके नाम के। हाय एक गाना हम सुने हैं, सैया हमार कमाई जाते हैं महंगाई डाइन खाए जाते, वही डाइन आज भौजाई बन गई है इतना ज्यादा। जब हम 60 रुपया तेल खाते थे तो बहुत ज्यादा महंगा दिखता था, 250 रुपया लीटर हम तेल खा रहे तो अब महंगाई नहीं दिख रहा। आज के प्रतिरोध मार्च से आपको क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल उनका बात सुनना होगा और सुनेंगे। और नया जुमरा खेल रहे कि हर घर तिरंगा लहरना चाहिए। अरे जाहिल आपको क्या मालूम कि तिरंगा तो दिल में रहता है, दिल में हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से। रहेगा जुल्म सच कहना, रहेगा जुल्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है मशाले लेके उठना, कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें विमर्श न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।